आप लोग सोच रहे होंगे बूट कैंप में अल्फा के लिविंग रूम के अंदर एक पीसी क्या कर रहा है। सो ये पीसी यूजुअली मेरे ब्रांड मीटिंग्स के लिए काम आता है, एडिटिंग जब मैं करता हूँ तभी काम आता है, प्लस मैं हल्की फुल्की यहाँ पर फन और चिल करने के लिए गेमिंग भी करता हूँ। सो इसीलिए मैंने ये पीसी बिल्ड करा है। चालू करते हैं सबसे पहले पार्ट से, विच इज आर केस। योर वी आर यूजिंग कूलर मास्टर MB520 केस, जो कि काफ़ी स्टाइलिश है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है एंड काफ़ी अच्छा एयर फ्लो भी देता है इसके अंदर। बहुत सारी एडिटिंग एंड बहुत सारी गेमिंग के बाद प्रोसेसर थोड़ा हीट होने लगता है, इसीलिए हमें एक बहुत अच्छा AIO लिक्विड कूलर चाहिए होता है। नेक्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन आर PC, विच इज PSU। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का PSU होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एनर्जी एफिशिएंसी एंड आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है एक अच्छा PSU। सो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं कूलर मास्टर का 850 वॉट्स का PSU, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से पूरा का पूरा PC का परफॉर्मेंस एनहांस करता है, साथ साथ में एनर्जी एफिशिएंट भी है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेरिफेरल्स ऑफ आर PC। नंबर 1 इज गोइंग टू बी द माउस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छा माउस होना, क्योंकि बहुत प्रिसाइज एम, बहुत ही लाइट वेट, बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहिए। बट वाइल एडिटिंग माउस की कंफर्ट लेवल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो हियर आई एम यूजिंग कूलर मास्टर MM711 गेमिंग माउस, जो कि मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है। तो जैसा कि मैंने कहा, एडिटिंग और कॉल्स के अलावा थोड़ा चिल करने के लिए मैं गेमिंग भी करता हूँ। यहाँ पर वैलोरेंट, GTA बहुत सारी गेम्स खेलता हूँ, एंड अगर कॉम्पिटेटिव गेम में जीतना हो तो हमें काफ़ी फास्ट रिफ्लेक्सेस होने चाहिए, एंड कॉम्पिटेटिव गेम्स में जो सबसे ज़्यादा तेज़ रिएक्ट करता है वही जीतता है, एंड तेज़ रिएक्ट करने के लिए उनके इक्विपमेंट्स भी उतने ही अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा आता है LG अल्ट्रा गियर मॉनिटर, इनका फर्स्ट क्लास 27 इंच 240Hz गेमिंग मॉनिटर, पुट्स द होल गेमिंग सीन ऑन द नेक्स्ट लेवल। मॉनिटर में देखा जाए तो 240Hz का रिफ्रेश रेट, जिससे काफ़ी एक स्मूथ पिक्चर मिलती है एंड आप फट से एक हेडशॉट मार सकते हो। 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम, ताकि कोई डिले ना हो गेम में कुछ होने और आपके मॉनिटर में दिखने के बीच। इमेज एंड कलर क्वालिटी की तो क्या ही बात करें, क्योंकि इसमें है IPS डिस्प्ले, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छे कलर्स हमें प्रोवाइड करता है। सो इन शॉर्ट, LG अल्ट्रा गियर मॉनिटर्स क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। एंड उसके बाद अगर हम लोग प्रोसेसर की बात करें, तो आई एम यूजिंग i7-11700K प्रोसेसर, जिससे मेरी एडिटिंग का हैवी वर्कलोड बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होता है। चलो नेक्स्ट अप, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड मेरा फेवरेट पार्ट, जो कि है GPU। बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेंडरिंग स्पीड देता है अगर आपके पास अच्छा GPU है। सो यार आई एम यूजिंग 3080 Zotac ग्राफिक कार्ड, जिसका गेमिंग, एडिटिंग, स्ट्रीमिंग में कोई मुकाबला नहीं है। ऑल्सो इस ग्राफिक कार्ड के साथ साथ आप लोगों को 5 साल की वारंटी भी मिलती है। मार्केट में जितने भी GPUs हैं उनमें से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देती है, एंड इतना ही नहीं, और स्टाइलिश बनाने के लिए हम लोग ने GPU में भी RGB लाइट्स डाली हैं, जो कि ज़बरदस्त एक स्टाइलिश लुक देती है हमारे पूरे एक GPU को। सो एट द एंड सारे कंपोनेंट्स को हम लोग को असेंबल करने में बहुत ship all around India. तो अगर आप लोग को भी इंटरेस्टेड है कस्टमाइज PC कंपोनेंट्स बिल्ड करने में या फिर आपको बाय करना हो, तो आप लोग जरूर इनकी चैनल चेकआउट कर सकते हो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो या ये था हमारा एडिटिंग और गेमिंग PC, जो कि काफ़ी हैंडी होता है मेरे बूट कैंप के लिविंग रूम में, बिकॉज मैं हर टाइम यार ऊपर नीचे नहीं कर सकता स्ट्रीमिंग रूम में जाकर, वहाँ पर जाके बैठो, उससे ज़्यादा बेटर है कि मैं यहाँ पर उठूँ एंड यहाँ पर अपने सभी काम निपटा लूँ। तो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज व्लॉग गाइज, आई होप यू गाइज एंजॉयड। अगर आप लोग को मज़ा आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड ऐसे ही मज़ेदार व्लॉग्स, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहे ऑन अल्फा व्लॉग्स। सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा, बाय बाय।